वर्ल्ड कप का हमारा थर्ड मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। फटाफट से मैच को स्टार्ट करते हैं। चलो सीधा आ चुके भाई, आज एकदम इंट्रो के अंदर टाइम वेस्ट नहीं किया भाई। दूसरे दिन करते पर टाइम वेस्ट नहीं होता, पर इंट्रो नहीं दिया, पर मैच के अंदर इंट्रो हम लोग कर लेंगे भाई, क्योंकि आज सबसे बड़ा मैच है। ऐसे ही टेंशन में हूं भाई, क्योंकि हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। ओ भाई साहब हेड लेते आ जाओ, हेड्स देखते हैं टॉस जीत पाते नहीं। बांग्लादेश के साथ मैच है, टॉस जीत गए। तो कौन कौन बांग्लादेश के फैन है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना भाई। मेरी आंखों के अंदर क्या हुआ पता नहीं, लगता है नींद आ चुकी है नहीं, क्योंकि रात के बजे रात के 10 बजे में शूट कर रहा हूं। यहां पे बांग्लादेश का टीम और ये है हम लोग की इंडिया की टीम। इज्जत दो ए मामा, रहमान मामा आ चुके बल्लेबाजी करने। ये हमारे केएल राहुल मामा, पर मामी इज गोइंग ऑन। चलो मैच के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं, लिटरी बोल रहा हूँ। बड़ा बड़ा मैच खेलने में मजा कुछ अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे आराम से बल्लेबाजी करना रहता है, कोई जल्दबाजी नहीं। पर 10 ओवर के मैच के अंदर बहुत जल्दबाजी रहता है, यहाँ पे शॉट आउट होने वाली है और बच गए भाई। अगर स्लीप होता गारंटी है कैच होता। चलो बच गए, दो रन के साथ हम लोगों ने खाता खोल लिया। अभी केएल राहुल आराम से खेलो, विराट कोहली की तरफ फॉर्म में आओ भाई, नहीं तो बाबा के पास चले जाओ भाई। ये पैर के अंदर बॉल डालने वाला ना बहुत ही मुश्किल वाला होता है, क्योंकि मेरा ये वीकनेस है भाई। चलो ये तो बहुत ही आराम से खेल लिया, पर प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर जाके मुझे प्रैक्टिस करना, क्योंकि बात देखे बहुत प्रॉब्लम होगा। पर देखते हो वीकनेस कैसे ठीक करते हैं। और ये देखो फिर से पैर के अंदर बॉल डालेगा, ये बार बार पैर के अंदर ही बॉल क्यों डाल रहे हैं भाई यहाँ पे। चलो आराम से शॉट, ये शॉट खेल ली। ये देखो बैट से ये आहा निकलते ही मुझे पता चल गया था ये बॉल जाएगा एकदम बुल्टा रिविटी की तरह पे चौकी की ओर। क्या हुआ, पर आप लोगों ने बोलना तो भूल गया भाई लिटरली, क्योंकि ये हमारा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है बहुत दिन का वाला भाई। क्या हम लोगों ने ठीक ठाक शुरुआत किया? आई तो मुझे लगता है हम लोगों ने ठीक ठाक ही शुरुआत किया भाई, क्योंकि आप भी जाके थोड़ा बहुत रन तो आ रही है यहाँ पे। पर अगर ऐसे ही चलता रहा लिटरली बोल रहे हो, हम आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा पार्टनरशिप तैयार कर सकते हैं। सुहान अल्लाह रे चल रहा। चलो केएल राहुल साहब ठीक ठाक ही खेल रहे हैं, रोहित शर्मा अभी थोड़ा सा गियर अप चेंज करना पड़ेगा लगता है। ये ऊपर बहुत सही गया, तीस गेंदबाज को खेलना बहुत ही पसंद करते, पर ये इतना बड़ा बाउंसर काइको 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 फास्ट बाउंसर देना चाहिए भाई, नो बॉल तो भाई भाई ये नो बॉल ही है भाई, कोई फास्ट बाउंसर नहीं है भाई। इतना ऊंचा बॉल मैं जब डालता हूँ तब नो बॉल देता है। भागो 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 रोहित शर्मा, रोहित शर्मा रुकने नहीं वाला भाई, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव बल्लेबाज है भाई। ये हम लोग ऑफ साइड के अंदर भी खेल सकते थे, पर ऑफ साइड के अंदर फील्डर था भाई, इसलिए हम लोगों ने लेग साइड के अंदर उस तरफ खेल लिया भाई। चलो अच्छी बात है भाई, चौका मिल गया, बहुत देर के बाद मिला। लॉन्ग लेग लग चुकी है भाई लिटरली, पर जो जो हमें फील्डर सेट किया भाई मारना पड़ेगा, बहुत सही फील्डिंग सेट किया। पर गैप मिल गई मुझे पता नहीं था, ओह बहुत दिन पर हम लोगों ने ये कवर ड्रेक खेलने का मौका मिला भाई। लिटरली इस गेम के अंदर कवर ड्रेक खेलना इम्पॉसिबल जैसे भाई, पर आठ स्टोरी का तो ईजी है, पर इसका तो इतनी इम्पॉसिबल है। चलो मिल गया तो कवर ड्रेक। ये ओवर तो आठ रन तो नहीं आई है, पर मानना पड़ेगा आठ रन तो आ चुकी है, जो नौ रन भी आ चुकी है अभी। अगर हम लोग 10 का अंडर मेंटेन करें, मतलब चार ओवर खत्म होने के बाद 33 रन 0 विकेट के नुकसान पे, पटना से भी अच्छा चल रहा। कौन आई है, एम रहमान कप्तान आ चुकी है, आई थिंक ये कप्तान है ना भाई, मुझे तो मुस्तफिजुर रहमान है। ये चौर उंगली में हम लोग की तरफ से भाई, हर ओवर के अंदर एक बाउंड्री, एक अगर सिक्स मिल जाए तो अच्छा होता भाई। ये ओवर तो लिटरली 6 रन के अलावा आए नहीं है, डॉट खाती जा रहे। अरे स्लोअर डाल दी भाई, कौन सा स्लोअर कौन सा फास्ट समझ में नहीं आता यार। ओवर की आखिरी गेंद, इसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा नहीं, और एक ओवर बाकी है भाई, मारने का मौका मिलेगा। या शॉट 6 रन भाई, ये पावर प्ले का लास्ट ओवर के अंदर हम लोग भाई मार के खेलना होगा, क्योंकि रनटेड बहुत ही नीचे जा चुकी है। चलो इज्जत की बात है भाई, रोहित शर्मा ने पहला सिक्स लगा इस मैच के अंदर। जलवा हे जलवा हे जलवा, 45 रन हो चुके हैं, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 रन या स्टेडियम कौन सा है मैं भूल गया भाई, कौन सा वाला सिलेक्ट किया था। अगर आप लोग को याद आए तो मुझे कमेंट करके बताना। चलो पार्टनरशिप हो चुकी है 50-32-51 का पार्टनरशिप, 30 रोहित शर्मा 21 केएल राहुल। आई लव बाउंसर, आई लव फिर से बाउंसर भाई, पहला हुआ। अरे यार पहला बाउंसर देना चाहिए भाई, ये पागल पागल तो नहीं हो गया हम पर, जब मैं नहीं मारता तब पहला बाउंसर देता है यार। और इसका तो ओपोनेंट नो बॉल और वाइड बॉल बहुत कम डालता है, क्या करूं मैं मर जाऊं। फिर से ट्राई मारता हूं, अगर सिक्स मिल जाए तो अच्छी बात है यहां पे। अरे क्या बात है, केएल राहुल के जलवा। रोहित शर्मा से अच्छा रन कर लिया, रोहित शर्मा ज्यादा रन कर लिया, 60 के ऊपर टोटल पार्टनरशिप हो चुकी है, 100 का पार्टनरशिप हो सकता है, पहली बार करेंगे हम लोग, हो गया तो अच्छा। अरे ये लोग ना बंगल भी मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से बॉल डालो। अरे क्या नहीं आउट नहीं है, अरे मुझे पता था भाई, क्योंकि एकदम मिडिल स्टंप पे लगा भाई, एकदम मिडिल स्टंप पे, हम लोग को ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। पर फिर भी अपील करते, रुक जाओ। पर ये अच्छी बात है भाई, बेंगोली मतलब हर टीम का जो अपना अपना लैंग्वेज होता है, मतलब अपने देश का, उस पर बात कर रहे हैं लोग भाई, जैसे हमें बांग्लादेश का बेंगोली बात कर रहे हैं।
देख के अच्छा लगा। जो लोग बांग्लादेश से हो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं है तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जो लोग देख रहे हो इज्जत दो। पर आउट हो गई, आउट मुझे पता है भाई। पिचिंग आउटसाइड, अच्छा इन लोग के टाइम पिचिंग आउटसाइड ठीक है, मेरे टाइम पे ठीक नहीं है। अच्छा मैं देख लूंगा हमारा जब बोलिंग आएगा, बोलिंग तो कल आएगा भाई, आज तो नहीं आएगा, आज पार्ट वन आएगा इज्जत से भरपूर भरपूर से। जैक रिव्यू लॉस्ट, एक दो रिव्यू तो एकदम गवा दिया हम लोगों ने, मुझे पता था वो पैड पे बॉल लगते मुझे पता चल गया था ये आउट है भाई, क्योंकि मिडिल स्टंप छू रहा है इसे, तीस करके वापस ना अच्छा रन किया इज्जत दो भाई। न्यू कमेंट्री सुनने को मिला भाई, बोल रहे कि दबदबा ओवर, दबदबा ओवर मतलब मैं समझा नहीं भाई ये क्या बात है। विराट कोहली आई है तो भाई स्वागत ही करेंगे यहाँ पे, और ये ओवर का लास्ट बॉल था तो ओवर खत्म हो चुकी है चार के साथ। हम लोग वापस आते हैं, बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है क्योंकि बारिश आ चुकी है भाई। हेड पे टच है, विकेट पे टच करने का मौका था। आहिस्ता आहिस्ता विराट कोहली 6 रन, भाई रिस्क लेना पड़ेगा हम लोगों को। अरे रिस्क ले, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, पाप लाएगा सबको पाप लाएगा। विराट कोहली का कैच ले लिया भाई, मुझे लगा था छोड़ देगा पर नहीं। शिट मैन एम हुसैन ने क्या कैच लिया भाई, इजी कैच था, वापस कर दिया विराट कोहली को। अभी आई है सूर्य कुमार यादव नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है, अच्छा वाला बस कट। अरे अरे गजब की फुर्ती के बच्चे, ये कैमरा भी बिट कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा बैट तो भी भाई 40 में जा चुका था हमारा केएल राहुल भाई, ये कनेक्शन ठीक से हो के नहीं पा रहा है। मैंने बोला तो भाई बारिश की वजह से हमारा परफॉर्मेंस हमेशा होता है, ये मैच हार गए थे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सिम 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 सिमरा साकिब अल हसन, दो विकेट मतलब तीन विकेट बहुत बुरी तरह गिर गया भाई लिटरली, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक तीन विकेट गिर चुके हैं। कोई बात नहीं, जा चुके जा चुके अब तक के साकिब अल हसन मैच का, और भी जबरदस्त गेंदबाजी, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज वहां, और ये गेंदबाज अपनी अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए। 4 विकेट गिर गया, क्या हो रहा है टप 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 टप, 2 विकेट गिरते ही जा रहा है भाई, मेरा बल्लेबाज मेरे साथ और नहीं दे रहा यार। जो होगा देखा जाएगा, मारो भाई क्योंकि बारिश की वजह से ओवर तो कम होगा, हम लोग का रन तो ये लोग नहीं बढ़ाएगा। चलो ठीक कनेक्शन सोच के खिलाई दिया, छक्का नहीं, छक्का नहीं होगा क्योंकि स्टेडियम आगे पीछे इतना लंबा है भाई, इसलिए 4 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत बाउंड्री मिली। लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर, इस कैमरे को होता क्या भाई, शॉट कमाल की गेंदबाजी, इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन का भाई। आज जो जो विकेट मिला भाई लिटरली बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा भाई। अरे ये मैच हार जाएंगे तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब हर एक मैच जीतना हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और एक मैच है जिम्बाब्वे के साथ। तो भाई क्या विकेट गिर रहा है, और ये दोनों अंपायर, ये अंपायर की भाई तोन जारी रख तोड़ दूंगा लिटरली बोल रहा हूं, अगर ओवर कम कर दिया तो। नदीम नदीम एन अहमद भाई, जो होगा देखा जाएगा, मारो दी सब पर, ओ ये बॉय 100 तो हम लोग को करना होगा क्योंकि 16 ओवर का मैच हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश की वजह से हो चुकी है टोटल 16 ओवर का मैच, मारना बहुत होगा। क्या भाई बंगाली में बात कर रहे हैं, सब लोग को समझ में नहीं आएगा बच्ची के दिल में। 6 हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत, इन दोनों का बल्लेबाजी देख के अच्छा लगा, इन दोनों का जोड़ी बनना चाहिए भाई, भाई प्लीज और विकेट ना गिर जाए लिटरी बोल रहे, पर पिच लिटरी आज हमारे साथ थोपा कर रहा है, बॉल टन करेला, शॉर्ट पिच की गेंद की कोशिश कर सकता, मुझे लगा था शॉर्ट पिच गेंद कोशिश करेगा क्योंकि तीसरा बॉल हमेशा शॉर्ट पिच ही होता है। ये रहवन जी का यहाँ पे मुझे पता चल गया, अब ऋषभ पंत ये शॉट तो ठीक तरह से खेल नहीं पाए, पर हार्दिक पांड्या से उम्मीद है कुछ और बाउंड्री आ सकता। ऋषभ पंत लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर, और सिर्फ कुछ ही रन बाकी, बॉल गेंद की गति से बीट हुए बल्लेबाज, रोमांचक गेंदबाज, और बल्लेबाज नहीं है, और कोई बल्लेबाज हमारा नहीं है भाई, सिर्फ हार्दिक पांड्या है, वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं, इसके बाद सब मतलब उतना भी अच्छा बल्लेबाज नहीं है क्योंकि मैंने नहीं लिया तो ऋषभ पंत आउट। अब हार्दिक पांड्या को जितना कोशिश करना होगा स्ट्राइक पर रखना पड़ेगा, फिर यॉर्कर है बच गए, यॉर्कर की बच गए, नहीं तो आउट हो जाएगा आप लोग। ये 4 रन भाई, 4 या 6 मिला भाई, अच्छा 6 मिला, मैं दुखी दिख नहीं रहा यार, ये बार में हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं भाई, पर पीछे क्यों खेल सकते हैं आप लोग। अरे मेरा गलती है, ये मेरा गलती है भाई, लास्ट टाइम मैंने अपना शॉट चेंज किया भाई, लास्ट टाइम मुझे लगा था भाई हम इस तरफ खेलेंगे, पता नहीं कितना टारगेट दे पाएंगे, 31 करके भाई, ये भी 31 कोई बात नहीं, हार्दिक पांड्या अच्छा रन तो क्या 31 बुरा रन नहीं है। अरे 134 तो हो चुकी है देखते देखते, 10 का 100 तो मेंटेन तो कर रहे। अरे बच्ची के दिल में, और यार बैक टू बैक 2 विकेट, हैट्रिक चांस पर रहा, इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी कोच गेम देख लिया, सब कुछ नीचे ठीक ठाक है कि नहीं, कब से डॉट खाए जा रहा है यार लेफ्ट लिया पे, शॉट तब से डॉट खाए जा रहा है यहाँ पे, और कर बॉल ये खेलना मुश्किल हो गया अपने लिए क्योंकि बॉलर है अमेरिकन है। क्या गेंद थी, बिल्कुल
भाई ऑल आउट, ऑल आउट हो जाएंगे, मतलब लास्ट मैच चल रहा है भाई, एटलीस्ट एक बाउंड्री चाहिए भाई, एटलीस्ट 150 के ऊपर रन मिल जाए अच्छा होता। स्लैम में इस्क में रीचा भाई, लास्ट तीन चार बॉल बाकी, एक चार चाहिए बस, बैट कैच लग गई, बैट का एज और कैच और क्या चाहिए बस, मतलब एक 150 के बहुत करीब थे भाई, अगर हो जाए तो 150 आराम से हो जाता यहाँ पे, और टारगेट मिला 16 ओवर के अंदर 145, उन लोगों को करना होगा, बांग्लादेश को करना होगा, देखते कर पाती है नहीं, हार गया तो पार्ट वन भाई और कॉल पे नहीं कर पाएंगे, पार्ट टू कॉल आएगा, चिंता मत करो भाई, बहुत ही अच्छा खासा बोलिंग किया हम लोगों ने, जाके देख लेना, हारे या जीते आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगे, पहले बैटिंग अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि पार्ट टू कॉल आएगा, मिलते गाइस कल के वीडियो के अंदर, लव यू।